हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए, मैं आज आपके लिए एक मेज़रमेंट का वीडियो लेकर आई हूँ कि आपको स्वेटर पे कितने फंदे लेने हैं। तो ये वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, उसमें थोड़ा सा व्यूवर्स कंफ्यूज हो गए थे कि किस तरीके से होगा। तो इसके लिए मैंने सोचा कि एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखिए, बहुत ईजी तरीका है। सबसे पहले आपने इंच टेप लेना है। देखिए, जिसके लिए भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, आपने इंच टेप लेना है ऐसे। और आप चाहे तो इंचेस में नापे, आप चाहे तो सेंटीमीटर में नापे। यहाँ पे इंचेस हैं और यहाँ पे सेंटीमीटर्स में हैं नंबर्स। तो आपको एक मेज़रमेंट ले लेना है। मैं आपको अभी प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। एक नंबर हम यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे आपने नापा किसी की कमर का साइज़ है 30 इंच में आ रहा है और 77 आपका सेंटीमीटर में आ रहा है। तो इसको हम एक साइड में नोट कर लेंगे, 30 इंचेस में आ रहा है और 77 हमारा सेंटीमीटर्स में आ रहा है। तो आपने दोनों में नोट करना है, आप ये भी ध्यान रखिएगा। और ये उनके लिए है जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है कि किस तरीके से फंदे लेने हैं। उसके बाद आपने वो वाली ऊन लेनी है जिससे आप कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, जिससे आप वो उस कार्डिगन या स्वेटर हो, कुछ भी आप बनाने वाले हो, वो आपने लेना है। चाहे आप डिफरेंट टाइप के कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं, जैसे टेबल क्लॉथ बना रहे हैं या कुछ भी आप बना रहे हैं, कवर बना रहे हैं, तो आपने इसी तरीके से फंदों का मेज़रमेंट लेना है। अब ये चौड़ाई है हमारी, जितनी हमने गोलाई में नापा है, तो ये हमारी चौड़ाई हो जाएगी, यही हमारा इंच टेप में आएगा। तो अब आपने क्या करना है, इससे हमने फंदे डाल लेने। मैंने यहाँ पे 20 फंदे डाले हैं, 20 फंदे हमने डालने हैं। और उसके बाद उल्टा सीधा, प्लेन जो होता है हमारा उल्टा सीधा, वैसा हमने यहाँ पे बना लेना है। ये देखिए, उल्टा सीधा हमने प्लेन बना लिया है। 4-5 लाइंस मैंने यहाँ पे बनाई हैं, 4-5 लाइंस आपने बना के उसके बाद मेज़र करना है। अब यहाँ पे 20 फंदों के साथ हम देखिए इस तरीके से इनको फैलाएंगे पूरा, जैसे हमारा स्वेटर होता है पहनने के बाद पूरा फैलता है इस तरीके से, वैसे हमने इन फंदों को पूरा फैलाना है सलाई पे। आप देखिए, यहाँ पे आपने मेज़रमेंट तो नोट कर लिया कि इंचेस में कितना आ रहा है और सेंटीमीटर में कितना आ रहा है। उसके बाद आपने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फर्स्ट वाले फंदे पे यहाँ पे इंच टेप लगाना है। इन फंदों को नापना है कि 10 सेंटीमीटर में, 10 सेंटीमीटर और इंचेस में 4 इंच में कितने हमारे फंदे आ रहे हैं। देखिए, इस तरीके से फैला के देखेंगे तो आपका इजीली जल्दी आपका जो नाप है आपको मिल जाएगा। तो ऐसे हमने लगाना है इसको। अब देखिए, 10 सेंटीमीटर और 4 इंच में कितने फंदे आ रहे हैं, वो यहाँ पे आपका मेज़र हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ तक हमने किया, यहाँ तक ये फंदे आए। अब 20 फंदे हैं, इसमें से हम देखिए काउंट करेंगे। यहाँ तक आया है तो 2, 4, 6, 8, 10, 12 और 14 फंदे हमारे आए हैं 10 सेंटीमीटर और 4 इंच में। तो 10 सेंटीमीटर में आए हमारे 14 फंदे और 4 सेंटीमीटर में आए हमारे 14 फंदे। अब आपने जो नाप लिया है उसके हिसाब से आपको फंदे निकालने हैं। आप चाहे तो एक दो बार और इसको करके देख सकते हैं, एक दो बार नाप के और देख सकते हैं। और पहले हम वो नाप निकाल लेंगे 30 इंचेस में और 77 सेंटीमीटर में, इसके हिसाब से कितने फंदे आएंगे। तो आप देखिए, 77 हैं, तो जो 14 हमारे फंदे आए हैं उसको हम इंटू कर देंगे 7। इंटू 7 करेंगे तो हमारा 70 सेंटीमीटर का निकल जाएगा। तो देखिए, जो हमारा यहाँ पे देखिए, जो हमने यहाँ पे 30 इंचेस लिया है उसके हिसाब से हमारा 4 इंच में तो हमारे 14 फंदे आ रहे हैं। 4 इंच में आ रहे हैं हमारे 14 फंदे। और यहाँ पे हमने 77 सेंटीमीटर लिया है, सेम है, एक का निकल जाएगा तो आपका सेंटीमीटर में भी सेम ही रहेगा। तो हमारे 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर है और ये 4 इंच है, तो ये हमारा 14 × 7 हो जाएगा और ये हमारा निकल जाएगा, सेम आपका रहेगा। आपको बस एक नाप लेना है, या तो इंच में लेना है या सेंटीमीटर में लेना है। तो ये निकल गए 98 फंदे। अब बचा हुआ यहाँ पे, क्योंकि ये सिर्फ हमने 7 टाइम्स किया है इसको, तो 14 × 7 किया और 28 इंच का तो नाप निकल गया। अब 2 इंच जो बचे हुए हैं वो हम 14½ 7 कर लेंगे। तो इसमें 97 + 7 जब हम करेंगे तो हमारा ये 30 इंच में कितने फंदे डालने हैं वो आपका निकल जाएगा। तो ये हमारा आएगा, देखिए, 100
105 हमारे फंदे निकल के आ जाएंगे। अब इसमें आपने क्या करना है, 105 फंदे आपके 30 इंचेस के लिए हो गए हैं, ये आप नोट कर लीजिए। ये नॉर्मल ऊन है, 4-ply बेबी वूल है, ये वर्धमान की बेबी सॉफ्ट वूल के नाम से आते हैं और 10 नंबर की सिलाई पे हमने करके देखा है। तो अब इस नाप के लिए आपका इतना मेजरमेंट निकल गया, जिस हिसाब से निकाला है वो भी आपने देख लिया। अब क्या करना है, उसके बाद अगर आप कोई डिज़ाइन डालते हैं और वो डिज़ाइन बनने के बाद सिकुड़ जाता है, यानी कि टाइट होता है, तो उसको आपने थोड़े से फंदे बढ़ाने हैं, 4 या 5 फंदे। और अगर कोई डिज़ाइन आप ऐसा डाल रहे हैं जो बनाने के बाद लूज़ हो जाता है, तो आपने 4-5 फंदे उसमें कम कर देने। जैसे जाली वाले पैटर्न होते हैं वो बनने के बाद खुलते हैं, तो उसमें उस हिसाब से फंदे एडजस्ट होंगे। ये जस्ट प्लेन हमने नाप लिया है, ये प्लेन हमारे फंदे हैं, इसमें हमने नाप लिया है। अब यही चीज़ आप 9 नंबर की सिलाई पे करके देखिए, अलग अलग ऊन में करके देखिए, आपका अलग अलग मेजरमेंट आएगा। और फंदों को थोड़ा सा पहले फंदे डाल के थोड़ा सा बना के, इतनी पट्टी हमने बनाई तब हमने ये नाप निकाला, और फंदों को इस तरीके से फैला के ही हमेशा नाप लीजिए, तभी आपका करेक्ट मेजरमेंट आएगा, नहीं तो ज़्यादा या कम फंदे आपके निकलेंगे। तो इतने में आई होप आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने करना है। और इनटू और डिवाइड तो आपको पता है कैसे करना है, वो तो सिंपल आपको मैथ्स करनी है, उसमें आपका प्लस हो जाएगा, जो भी आप निकालना चाहते हैं उस हिसाब से हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं, तो आप कीजिए। और वीडियो अगर पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो मैं आपके लिए ऐसी यूज़फुल वीडियो लेके आती रहूँगी, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।